हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी प्लांट्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रोपेगेट मनी प्लांट फ्रॉम कटिंग। मनी प्लांट एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। ये बहुत से कलर्स में आता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कटिंग से कैसे ग्रो करें। हम इसको वाटर में भी कटिंग से ग्रो करेंगे और सॉइल में भी इसको कटिंग से ग्रो करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वाटर मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं। आपको 4 से 5 इंच की जो है इसकी स्टेम कटिंग ले लेनी है। ये नोड्स सेक्शंस है, यहाँ से जो है इसकी रूट्स आना शुरू होगी। तो आपको इसके इंटर नोड सेक्शंस के बीच में से इसको कट कर देना है। हम आज इसको सिंगल लीव से ग्रो करेंगे। मैंने यहाँ पर सिंपल वाटर लिया है। आपको सब कटिंग्स जो है एक साथ वाटर में लगा देनी है। हमको कटिंग्स जो है ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, पर इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में आपको जो है रखना है। कटिंग लगाए हुए हमें 5 दिन हो गए हैं। देखिए इसकी रूटिंग शुरू हो गई है। ये वाटर में 5 दिन में इसने रूटिंग शुरू कर दी है। अब जो है मनी प्लांट को सॉइल मीडियम में प्रोपेगेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 5-6 इंच की एक कटिंग ले ली है, स्टेम कटिंग ले ली है मनी प्लांट की। आपको सेम इसके इंटरनोड सेक्शंस के बीच में से इसको कट कर देना है। सॉइल में भी हम इसको सिंगल लीव से लगाएंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल गार्डन सॉइल ली है। आपको जो है इसका नोड सेक्शन जो है वो सॉइल में अंदर डिप कर देना है। मैं सब कटिंग्स एक साथ में ही यहाँ पर लगा रही हूँ। आपको इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। कटिंग को लगाए हुए लगभग 8 दिन हो गए हैं। मुझे नई सूट्स भी यहाँ पर इसकी दिखाई देने लग गई है साइड से। देखते हैं इसमें रूटिंग शुरू हुई या नहीं हुई। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकल आई है। ये सॉइल में भी वाटर की तरह इजीली ग्रो हो गया है। ये देखिए नया सूट्स भी इसने निकाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।